वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो गई है, और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिए। हम हैं अभी ऋषिकेश में और हम जा रहे हैं राम झूला की तरफ। हमने बीच में हॉल्ट लिया है चाय का। चाय पीने के बाद हम फिर पैदल यात्रा करने वाले हैं। और चलिए चलते हैं, रास्ते में आपको पूरी मार्केट दिखेगी। चाहे तो आप यहाँ रुक के कुछ कुछ सामान ले सकते हैं। ऋषिकेश पहुंच रहे हैं तो आपको गंगा घाट जाना तो बनता है। तो राम झूला जाइए, लक्ष्मण झूला जो है अभी बन रहा है, और एक है जानकी झूला। दोनों से ही गंगा जी का बहुत ही प्यारा व्यू आता है। यही है राम झूला, जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक काफी लंबा झूला बना है। इस पे बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग बाइक लेकर भी जा रहे थे, बाइक और स्कूटी, क्योंकि गंगा घाट पे और झूले पे कोई कार वार तो जाने वाली नहीं है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पैरों में दर्द है, या फिर आप नहीं करना चाहते पैदल यात्रा, तो देखिए पीछे स्कूटी वाला आ रहा है। आप भी स्कूटी लेके कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। आई वॉज सो एक्साइटेड, क्योंकि मैं ऋषिकेश पहली बार आई थी, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, कुछ इंस्टा पे भी डाले हैं। अगर आपने नहीं चेक किए तो जाके चेक कर लीजिए। कल मैंने आपको पार्किंग के बारे में बताया था। पार्क करके, गाड़ी पार्क करके आप घूमिए पूरा राम झूला, जानकी झूला, और इसी तरफ एक नेशनल पार्क है, आप उस साइड भी जा सकते हैं। और यहाँ पर एक आश्रम है, मैं आपको लेकर चलूँगी। उसके सामने ही गंगा घाट है, जहाँ पर आप गंगा जी में डुबकी लगा कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप झूले से गुजरेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। अपना सामान बचा के चलिएगा, अपना फ़ोन बचा के चलिएगा। वही पंकज बोल रहा था मुझे कि फ़ोन बचा कर, क्योंकि पीछे से भी लोग जा रहे होंगे और सामने से भी गुजर रहे होंगे। कुछ लोग बाइक और स्कूटी पे निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। ऋषिकेश मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप यहाँ पर 2 दिन अपना बिता सकते हैं, और धार्मिक स्थल होने के साथ साथ यहाँ पर आपको मज़ा भी काफ़ी आ जाएगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। बस यही था राम झूला, जल्दी ख़त्म हो गया यहाँ से, और हम क्रॉस करके जा रहे हैं उस साइड। अंकिता पहुँच गई है, पहाड़ों से घिरा हुआ है ये। और साथ ही साथ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। रहने के लिए हम लोग तपोवन में रुके थे, लेकिन आप चाहे तो कैंपिंग भी कर सकते हैं। आज के दिन, मतलब आज जो रात होगी, हम लोग कैंप में रुकने वाले हैं। उसके बारे में डिटेल मैं आपको बताऊंगी बाद में, जब वो वीडियो आएगा। फिलहाल मैं आपको बता चुकी हूँ मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। मान लीजिए आपने डुबकी मारने का प्लान नहीं बनाया, आपका डुबकी मारने का प्लान बन गया, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मार्केट मिल जाएगी, बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे आप ले सकते हैं, और डेकोरेशन के भी बहुत सारे आइटम आपको मिल जाएंगे, जो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, प्रसाद लेकर जा सकते हैं, और अपने अपनों में बांट सकते हैं। इस समय गर्मी काफ़ी तगड़ी लग रही थी, इसलिए हम कवर करके चल रहे थे। मार्केट है यहाँ पे, हैं हम जा कहाँ रहे? तो अंकिता की एक दोस्त आने वाली है, वो हमें आश्रम में मिलने वाली है, और फिर हम उसके साथ घूमने के लिए आगे जाएंगे और घाट पर भी जाएंगे। मैं पीऊँ लेमन सोडा, बर्फ का गोला, स्पेशल बर्फ का गोला, लेमन सोडा, बर्फ का गोला।
तो मैं आपको बता दूं, गर्मी इतनी ज़्यादा तेज लग रही थी कि हमें ये सोडा पीने के लिए रुकना पड़ा। तो ऋषिकेश के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऋषिकेश के आसपास हरिद्वार पड़ता है। सबसे पहले हरिद्वार पड़ेगा अगर आप दिल्ली से आएंगे, और उसके बाद पड़ेगा देहरादून। देखिए, इस टाइप के आइटम आपको मिल जाएंगे अपने घर के साथ सजावट बढ़ाने के लिए। यहाँ आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे गाय बैल बहुत ज़्यादा घूमते हैं, तो ध्यान से जब भी आप चल रहे हैं तो आगे पीछे ध्यान रखिए, पता चले आपके सींग विंग मार दें। तो यहाँ पे अंकिता रुक गई थी कि सामने मिठाई की दुकान है और वहाँ पे समोसे मिल रहे थे। हमने कुछ खाया नहीं था, लेकिन हम समोसे नहीं खाने वाले थे, हम करने वाले थे लंच, वो भी आश्रम में जहाँ पे उसकी फ्रेंड मिलने वाली है। मार्केट में आपको सारा सामान तो मिल ही जाएगा, कपड़े और सजावट का सामान। ये देखिए, बहुत सारे सजावट का सामान मिलेगा, ढेर सारी आपको गाय मिल जाएगी। और अगर आप राम झूला से निकले हैं तो राइट साइड में आपको घाट मिल जाएगी। परमार्थ तो यही मुझे आश्रम दिख रहा है और हम आश्रम ही जाने वाले हैं। काफी सुंदर बनाया हुआ है, उसी के जस्ट सामने हमें मिलेगी घाट। सॉरी, ये वाला आश्रम है, इसके अंदर हम जाएंगे। चलिए चलते हैं। आश्रम के सामने आपको शंकर जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी, और साथ ही साथ राइट साइड में आपको हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति दिखाई देगी, वो जब हम उस साइड एंटर करेंगे तब दिखेगा। ये रहा आश्रम, चलिए आश्रम के अंदर चलते हैं। आश्रम के अंदर का भी नज़ारा अलग है, काफ़ी सुंदर बना रखा है, गार्डन वार्डन अच्छे से बना हुआ है। देखिए, बहुत भीड़ थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। अंकिता को उसकी फ्रेंड मिल चुकी है, वो अपनी मम्मी के साथ आई है, और हम लोग जा रहे कैंटीन की तरफ। वो लोग खाना खा चुके हैं, लेकिन हम खाने वाले हैं। और यहाँ का नज़ारा एकदम अलग था। ये देखिए, बच्चे बच्चे ये ड्रेस में घूम रहे थे, धोती कुर्ता पहन रखा येलो कलर का। अब मुझे नहीं मालूम, शायद ये आश्रम में रहते हैं कि आश्रम आए हैं, मुझे नहीं मालूम। और इधर है कैंटीन जिधर हम जा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप यहाँ की थाली लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है, दो लोग आराम से खा सकते हैं, पेट भर जाएगा दो लोगों का। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है और ऐसा लग रहा है वो सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में डमरू है। एक एंगल से ऐसा लगता है कि वो सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी उनकी मूर्ति बनाई है। हम बाहर आ गए हैं और सामने है घाट, चलिए चलते हैं घाट पे। और मैंने डुबकी लगाने का तो नहीं सोचा है, लेकिन गंगा जल अपने ऊपर छिड़कने का तो सोचा है, पानी में तो जाना है, तो चलिए चलते हैं। एंटर करते ही राइट में आपको हनुमान जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई देगी, ये देखिए। और सामने की तरफ ये देखिए कृष्ण जी का, महाभारत का ये दृश्य है, बहुत सुंदर बनाया गया है। और जहाँ पर घाट है वहाँ पर है अपने शिव जी, ये देखिए। गंगा जी का प्रवाह काफ़ी तेज होता है, ये मैं देख चुकी हूँ, हरिद्वार में भी देख चुकी हूँ, कानपुर में भी देख चुकी हूँ, और यहाँ भी देख चुकी हूँ। तो पंकज भी यहाँ पे डुबकी नहीं मार रहा था, और मेरा तो प्लान था हरिद्वार में डुबकी मारने का, तो इसलिए मैंने डुबकी नहीं मारी थी। कुछ भी कहो, मानो या ना मानो, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। आई एम श्योर जो पूजा पाठ नहीं भी करते हैं उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अलग ही फीलिंग है यहाँ की, अलग ही वाइब है।
गंगा जी का प्रवाह काफ़ी तेज था, मैंने आपको बताया था ना। और देखिए ये शिव जी की मूर्ति बहुत ही प्यारी बनाई हुई है। तो यहाँ पर आपको आके बहुत ही अलग सी फीलिंग आएगी। जो लोग मेरे जैसा जिस चीज़ से मैं गुज़र चुकी हूँ उस चीज़ से गुज़र चुके होंगे उन्हें वहाँ पे अलग सी फील आएगी। बट हाँ, आप यहाँ पे मस्ती करना मत भूलिएगा, डुबकी तो मारिएगा। पानी यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा था, बिल्कुल फ्रिज के पानी जैसा। मैंने डुबकी तो नहीं मारी लेकिन मैंने हाथ मुंह ज़रूर धोए और मैंने अपने ऊपर गंगा जल छिड़का और ऐसे चक्कर भी काटा। डोंट जज मी विद दिस कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बट आई रियली एंजॉयड इट और बहुत ही पॉजिटिव वाइब आई, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जब मैं यहाँ पहुँची थी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी, बहुत बुरा फील कर रही थी, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत पॉजिटिव वाइब आई। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, लेकिन कल हम चलेंगे कहीं और, लेकिन ऋषिकेश में ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू।